सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। अलीगढ़ में ट्रक ने धान से भरे ट्रैक्टर में मारी टक्कर, ट्रैक्टर सवार बाप बेटा हुआ गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान हुई बेटे की मौत। अयोध्या में नहीं सुधर रहे परिषदीय विद्यालय के अध्यापक, अध्यापन कार्य के समय कुर्सी पर सोने का वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर स्टंटबाजी और बर्थडे पार्टी, रात सोते समय सज जाती है महफिल, पुलिस ने 11 दिन में 45 लड़के पकड़े। पूजा करती है इसे परिवार के साथ, जिंदा जला दो। अलीगढ़ में दुर्गा पूजा करने वाली भाजपा नेत्री रूबी को धमकी, पोस्टर चिपकाया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 50 छात्र पर मुकदमा, फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों ने 20 सितंबर को चीफ प्रॉक्टर से मारपीट की थी। इटावा में बिजली विजिलेंस की टीम ने चलाया चेकिंग अभियान, बिजली चोरी करते पकड़ा गया, टीम ने दर्ज कराया मुकदमा। कानपुर में बेटी के 14 साल प्रेमी को बेरहमी से हत्या, कान काटा, सरिया घोप कर मार डाला। ललितपुर में मां बेटे का कुएं में मिला शव, भाई बोला बहन के पति और उसकी प्रेमिका ने हत्या कर कुएं में फेंका शव। मथुरा में पिता ने की 10 साल की मासूम बेटी की हत्या, गंदे पैर लेकर बेड पर चढ़ा तो डंडे से इतना पीटा कि मासूम की हो गई मौत। अति के करीबियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, फनगांव में अवैध प्लांटिंग के बाद कराई थी बाउंड्री। मुरादाबाद में बेटी का रेपिस्ट बाप गिरफ्तार, सगी बेटी से 1 साल से कर रहा था रेप, मुंह खोलने पर देता था हत्या की धमकी। बम की ट्रेनिंग ले चुके 3 पीएफआई सदस्य गिरफ्तार, इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस के ट्रेनिंग मॉड्यूल को दस्तावेज मिले। पीलीभीत में नाले से शव लेकर निकले लोग, गांव से शमशान स्थल तक पहुंचने का नहीं है रास्ता, 20 साल से नहीं बना है कोई प्रधान। बलिया सड़क हादसे में 2 युवक की मौत, दोस्त को ले जा रहे थे घर, लोग बोले दोनों हमेशा रहते थे साथ में। आगरा में मनकामेश्वर मंदिर की रामलीला में उमड़ रहे भक्त, श्रीराम का दिया ताड़का का संहार, देवगढ़ों ने आकाश से बरसाए फूल। बलिया में अपराधी को किया गया जिला ब्रदर, पुलिस ने 6 महीने में भेजा बिहार, समय समय पर देनी होगी मौजूदगी। मऊ में मुख्तार गिरोह के सदस्य के सील मकान में लगी आग, 46 करोड़ मकान की लागत, 7 सितंबर को हुई थी कार्यवाही। उन्नाव में चला डोर टू डोर चेकिंग अभियान, बिजली चोरी करते 5 पकड़े गए, अन्य को दी गई चेतावनी। फरुखाबाद गंदगी में रहने को मजबूर, काशीराम कॉलोनी के बासिंदे 1296 आवासों में रह रहे हैं 5000 से अधिक लोग। महोबा में गांव के आम रास्ते पर अवैध कब्जा, परेशान हुए ग्रामीण, डीएम ने बताई अपनी परेशानी।
हाथरस के गांव में घुसा मगरमच्छ, ग्रामीणों ने पकड़कर बांधा, नहीं पहुंचा वन विभाग का कोई कर्मचारी। अमरोहा में शादी से पहले दूल्हे की खुली पोल, दूसरी शादी करने बारात संग पहुंचा था, पहली पत्नी भी मौके पर पहुंची। फतेहपुर एसपी व एसएसपी ने अलग अलग थानों का किया निरीक्षण, अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्देश। अंबेडकर नगर संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग, जांच में जुटी पुलिस। बरेली में पीएफआई को लेकर अलर्ट, एडीजी ने जारी किए निर्देश, खुफिया एजेंसियों को भी किया सतर्क। औरैया में महिला का यमुना नदी में हाथ पैर बंधा मिला शव, ग्रामीणों ने हत्या कर शव फेंके जाने की जताई आशंका। कानपुर देहात का लाचार, जिला प्रशासन पोस्टमार्टम के बाद वाहन न मिलने से शव को हाथ में ले जाते परिजन, वीडियो हुआ वायरल। देश के नए अटॉर्नी जनरल होंगे वरिष्ठ वकील आर वेंकटरमानी। आर वेंकटरमानी 1 अक्टूबर से पद संभालेंगे, कार्यकाल 3 साल का होगा। नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद, आधा दर्जन दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। अलीगढ़ में धूमधाम से निकाली गई राम की बारात, पुलिस की निगरानी में निकाली गई बारात। आगरा में ताजमहल परिसर में पुरातत्व विभाग एवं सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों की मीटिंग, परिधि के मामले में भी हो सकती है चर्चा। अलीगढ़ में महाराजा श्री अग्रसेन जी का अपमान करने के संबंध में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन, रविवार को होगा भव्य शोभा यात्रा। अमेठी में अनियंत्रित ट्रक ने ई रिक्शे को मारी टक्कर, हादसे में ई रिक्शा सवार 3 लोगों की मौत। औरैया में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में बाबा बुलडोजर चला रहे हैं, आखिर शिक्षक के घर पर क्यों नहीं चला। अलीगढ़ में अंकिता हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर एमयू छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, छात्रों ने राष्ट्रपति को संबोधित किया ज्ञापन। अमेठी दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बोली वीर शहीदों के स्मारक को मिला सम्मान। अलीगढ़ में अलदुआ मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का हुआ रिसाव, 100 से ज्यादा मजदूर आए चपेट में, राहत बचाव कार्य जारी। अयोध्या पहुंचे मनोज तिवारी ने पीएफआई पर लगाए प्रतिबंध का किया स्वागत, कहा पीएफआई की वजह से देश में फैलता था आतंकवाद और दंगा। अलीगढ़ में बाइक सवार को रोडवेज बस ने रौंदा, सड़क हादसे में जीजा साले की हुई दर्दनाक मौत। अयोध्या में बनेगी विश्व की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा, 251 मीटर ऊंची लगाई जाएगी रामलला की प्रतिमा। बलरामपुर में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे आउटसोर्सिंग कर्मी, धरने से एनआरएलएम कार्य का भी हो रहा है प्रभावित। बुलंदशहर में बम्बे में गिरी बाइक सवार, घटना की सूचना पाकर परिवार के लोग और मौके पर पहुंचे पुलिस।
गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर जन्मदिन का जश्न मनाना पड़ा हुड़दंगियों को पड़ा भारी। 21 की हुई गिरफ्तारी, 8 कारें सीज। गोरखपुर में अनाथ आश्रम की आड़ में बेचे जा रहे थे बच्चे, अपने ही बुने जाल में फंस कर गिरोह का हुआ भंडाफोड़, जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में वेल्डिंग के दौरान बाइक में लगी आग, धू धू कर बाइक जलने का वीडियो आया सामने। कानपुर में आयकर अफसर के मम्मी बनने की कहानी, घर पहुंचे पुलिस टीम में एडीजीसीपी बोले वो मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। महाराजगंज में नवरात्र और दशहरा को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी, सीमा पर बढ़ा दी गई चौकसी। रायबरेली में लगातार बैटरी चोरों का आतंक जारी, रोड पर खड़े दो ऑटो की बैटरी को चोरों ने कर दिया पार। हरदोई में बैंक मित्र से लूट की मुखबिर देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में कोचिंग में लगी भीषण आग, कई स्टूडेंट के कोचिंग में फंसे होने की संभावना, कॉम्प्लेक्स के ऊपर फ्लोर में फंसे छात्र छात्राएं। हरदोई पहुंचे जगदंबिका पॉल ने कांग्रेस और लालू पर साधा निशाना, कहा पीएफआई जैसे अन्य संगठनों पर होगी कार्यवाही। रायबरेली में मनाए जा रहे विश्व हृदय दिवस, मौके पर एम्स के हृदय रोग विभाग लोगों को हृदय रोग से बचने के लिए किया जागरूक। लखनऊ में मत्स्य कल्याण समिति की हुई बैठक, कई जिले के मत्स्य समिति के लोग रहे मौजूद, प्रदेश में होगा तालाबों का सुंदरीकरण। रायबरेली में पति ही बना पत्नी का खून का प्यासा, हत्या का प्रयास करना पति को पड़ा भारी, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। बिजनौर में विधायक सूची चौधरी के पति ने गोवंश को बचाने के लिए लगाए शिविर, शिविर में लंपी से ग्रसित गोवंशों का किया जा रहा इलाज। रायबरेली में संदिग्ध अवस्था परिस्थितियों में ट्रेन कट कर अज्ञात युवती की मौत, घंटों पड़ा रहा मृत युवती का शव। आगरा में कैंटर ने एक्टिवा को चपेट में लेकर मारी टक्कर, हादसे में महिला की हुई मौत, महिला की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। अलीगढ़ में ड्यूटी के दौरान शराब पीते हुए पोस्टमास्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कसंबा 14 का है पूरा मामला। आगरा में एडीजी ताज सुरक्षा ने किया ताजमहल का निरीक्षण, जिलाधिकारी एसएसपी सहित आला अधिकारी रहे मौजूद। गोंडा में शिक्षक की घिनौनी करतूत आई सामने, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी अश्लील वीडियो, 6 महीने पहले भी शिक्षक पर लगा था आरोप। लखीमपुर खीरी में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा का मामला, मुख्यमंत्री ने मृतक परिवार को 2-2 लाख दिए जाने के निर्देश दिए। गोंडा में रेलवे स्टेशन परिसर में मिली संदिग्ध चारपहिया वाहन, गाड़ी के सीट पर खून के निशान, ऑटो चालक ने दी पुलिस को सूचना। लखनऊ के होटल लेवाना स्वीट्स अग्निकांड का मामला, गिरफ्तार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, अग्निकांड में 4 लोगों की हुई थी मौत। सीतापुर में करंट लगने से मां और बेटी की मौत, शिकायत के बाद भी नहीं पहुंचा पुलिस प्रशासन व विद्युत विभाग।
गोंडा में डीएम ने अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, आवागमन पर लगाई रोक। बच्चे धूल रहे गाड़ी, टीचर ईयरफोन लगाकर सोते रहे, अयोध्या के सरकारी स्कूल का वीडियो, बीएसएफ बोले बोले जांच की जा रही है। आईएमएस बीएचयू के इवेंट में मारपीट, 5 स्टूडेंट घायल, इसमें तेज घाटा, फेम सिंगर गजेंद्र वर्मा के शो में भिड़े एमबीबीएस और सोशल साइंस के स्टूडेंट। बलिया के तालाब में तैरता मिला वृद्ध का शव, 2 दिन पहले बिना बिताए घर से निकली थी, बेटा बोला मानसिक रूप से बीमार रहती थी। फतेहपुर में जल संरक्षण के लिए किया गया जागरूक, वाटर हीरो ने नल में टोटी लगवाते हुए पानी बचाने के लिए दिलाई शपथ। अखिलेश फिर से बने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहा पद नहीं जिम्मेदारी है, हिटलर के जमाने में सिर्फ एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था। झांसी में महिला की हत्या कर लाश नदी में फेंकी, ससुर की गोद से बेटे को लेने पर बेल से पीटा था, 41 पर दहेज हत्या का केस। जालौन में 10:30 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचे शिक्षक, प्राइवेट ट्यूटर लगवा कर करा रहे पढ़ाई, बीएसएस के आदेश के बाद बड़ी लापरवाही। संत कबीर नगर में महिला प्रमुख ने डीएम से की मुलाकात, कहा मुस्लिम समाज की वजह से नहीं हो रही है सुनवाई। बाराबंकी में पति ने पत्नी की कावड़ी से कर दी गर्दन, मौत के बाद भी करता रहा वार, आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में शव मिलने का सिलसिला जारी, 4 दिन के अंदर मिला दूसरा शव, जांच में जुटी पुलिस। फिलहाल लिए 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस